हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्य कुटे सही में आप लोग का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये बड़ा सा वेल है, ये आ गया है गर्मी, तो गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी काफ़ी बढ़ भी गई है, तो बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए तो हम लोग किसी ठंडे शरबत या कोल्ड ड्रिंक या नींबू पानी, छाछ, लस्सी, इन सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं वेल का शरबत। इसमें पीसी हुई चीनी और ठंडा फ्रिज का पानी ले ली हूँ। आप चाहे तो मटके का भी पानी ले सकते हैं अगर यूज करना चाहे तो, और इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। तो इसके फ़ायदे ये हैं, ये पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, पेट से संबंधित कोई बीमारी हो उसमें फ़ायदा करता है, और इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बॉडी को हाइड्रेट रखने के साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, तो इसलिए ऐसा शरबत पीना चाहिए। और देसी हो तो क्या कहना, तो इस तरह बना ली जाएगी, जितने उसके बूंदे हैं निकाल लिए जाएंगे। तो उसके सेल में थोड़े थोड़े से लगे होते हैं, चाहे तो चम्मच की सहायता से खुरच के इसमें डाल सकते हैं, बट उसे जो है मम्मी कह रही थी मैं खाऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया है। तो सारे गूदों को निकाल ली जाएगी इस तरह, और ऐसे हाथों से मसलते हुए जितना हो सके टूट जाए तो हाथों से, तो उसको हम उसमें पानी में डाल देंगे। बेल के हिसाब से जो है पानी ले ली गई है, जिस तरह बेल है, बड़ा बेल था उसके हिसाब से भगोने में पानी ले ली गई है। तो उसके जो सेल ऊपर से जो निकले हुए थे लेयर्स, उसी से खुरच के कुछ कुछ ऐसे कर दी जा रही है। तो ऐसे बना ली जाएगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। दोपहर का टाइम है और फैमिली के सभी लोग हैं, इतना ज़्यादा लू चल रहा है। इस तरह इसको तैयार कर लेंगे, सारे गूदों को निकाल लेते हैं। अगर आपके पास कोई मेहमान है तो, अगर बेल अवेलेबल हो तो आप इनका शरबत बना के पिला सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो ये मथनी है, मथनी से इसको मथ लेंगे अच्छे से, सारे बेल जो हैं अच्छे से उसमें घुल जाएंगे और चीनी भी इसमें मिक्स हो जाएगी पूरे पानी में, पहले मिक्स कर दी गई है। तो उसके हिसाब से जिस तरह आप लोग को मीठा पसंद हो उसके हिसाब से आप लोग चीनी ले लीजिएगा, हम लोग को जैसे मीठा पसंद है उसके हिसाब से मैंने चीनी इसमें डाल दी है। तो देखिए ऐसे हाथों से भी देखेंगे कुछ रेसे ऊपर आ जाते हैं जब मथने पर, तो उसको भी ऐसे हाथों से करके निकाल लेंगे। तो एक एक करके सारी चीज़ें निकल गई हैं, जितने उसके, अरे क्या कहा जाता है, गुज्जे लोग कितने लोग कहते हैं, और आप लोग क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा, और आप लोग बेल को क्या कहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। हम लोग इसको बेल ही कहते हैं, श्रीफल, सदाफल और बेल पत्थर भी कहते हैं लोग, बहुत सारे लोग। तो इस तरह ये तैयार हो चुका है, और स्ट्रेनर की सहायता से इसको छान कर हम सर्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो और भी आइस क्यूब ऐड कर सकते हैं, तो मैं आइस क्यूब लाई हुई थी तो मेल्ट हो गया, और दोपहर का टाइम है, इससे में लाइट बहुत कट हो रही है क्योंकि गेहूं की कटाई है सबके वहाँ चल रही है, तो इसी वजह से गांव में जो है लाइट कट बहुत जल्दी कर दी जा रही है। अक्सर बहुत जगह सुनाई दे रहा है कि लाइट कट ही कर दी जा रही है दिन में, और शाम को लाइट आ रही है। तो इसके इस तरह स्ट्रेनर से छान के अब सर्व करते हैं हम लोग। तो आइए आप लोग भी पी लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। हम बाबू भी बगल में है तो उसको चाहिए, स्कूल से आए हुए हैं सब लोग, सभी को चाहिए। तो इस तरह आप लोग अपनी फैमिली के साथ मिलजुल के पी सकते हैं, खुद पीजिए, अपने फैमिली को भी पिलाइए। आइए, कैसा लगा आज का ब्लॉग? अगर ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को आगे शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, हैव अ नाइस डे माय फ्रेंड्स।